इस लड़की ने मुझसे अपना शूट करा लिया बट ये व्लॉग में नहीं आना चाह रही। ये और ये मेरी गाड़ी की हालत, एक हफ्ते से गाड़ी निकाली नहीं थी और अभी अचानक से शूट पे जाना पड़ रहा है। ना गाड़ी साफ़ करने वाला आ रहा और अभी आके देखा तो ये हालत हो रही है। अब ये मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। कुत्ते भी घूम रहे हैं इस पर। ये सुबह के आज ही ये फुटप्रिंट्स लग रहे हैं। फोकस ही नहीं करेगा। खंजर जैसे कांटे मेरे पैर में घुस गया था और मैंने पहने भी सॉफ्ट शूज हुए हैं, बिल्कुल अंदर तक चला गया था। अभी इसको खींच के निकाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आया हूँ एक प्री वेडिंग शूट के लिए। और जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, जो ये लोकेशन है, ये एक प्री वेडिंग लोकेशन जो कि है कुतुबगढ़ में। मेरे घर से अराउंड 20-21 किलोमीटर्स दूर था, तो मुझे यहाँ पे पहुँचने में एक घंटा लगा। शूट हमने स्टार्ट कर दिया था अर्ली, 8:30 बजे हमने मॉर्निंग में शूट स्टार्ट कर दिया था। एक लोकेशन हम कर भी चुके हैं, वहाँ पे मैं इसलिए शूट नहीं कर पाया, ब्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटे थे। थोड़ा सा 2 किलोमीटर और आगे जाना पड़ता है, थोड़ा सा जंगल टाइप एरिया, तो वहाँ पे मैं शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कांटे थे और 4-5 कांटे तो मेरे पैर में भी लगे। अभी यहाँ पे भी आके मैंने अपने शूज़ से निकाले। 3 मिनट का ही गाना है हमें जो शूट करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे लगेंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, शाम को 6-6:30 बजे तक लाइट रहती है, तो तब तक हम शूट कर सकते हैं आराम से। जो ये प्री वेडिंग्स लोकेशन है, ये ट्रेंड मतलब अभी काफ़ी चल गया है। बहुत सारी दिल्ली में, NCR में प्री वेडिंग लोकेशन बन गई हैं। पहले नहीं ऐसे होता था, क्योंकि जब मैं 8-9 साल पहले जब मैंने प्री वेडिंग शूट स्टार्ट किए थे, तब तो हम बिल्कुल रियल लोकेशंस पे ही जाके शूट करते थे। हिल स्टेशंस हो गया या किसी होटल में हो गया, किसी 5-स्टार प्रॉपर्टी में हो गया। कई कपल्स नहीं ट्रैवल कर पाते, जैसे 3-4 दिन का शूट है तो कई लोग होते हैं कि जो 3-4 दिन नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए लोकेशन बेस्ट रहती है। जैसे अभी मैं मसूरी में शूट करके आया, वहाँ पे हमें 2 दिन लगे शूट करने में, तो ऐसी रियल लोकेशन पे मज़ा आता है। वैसे ये लोकेशन भी अच्छी होती हैं, आप आराम से यहाँ पे शूट कर सकते हो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, आपको कहीं इधर से उधर ट्रैवल नहीं करना, कोई भाग दौड़ नहीं है, आपको बस यहाँ पे क्विक चेंज करना है एंड बैकग्राउंड्स बने हुए हैं अलग अलग, जैसी आपको लोकेशन चाहिए। लोकेशन भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये उन कपल्स के लिए ठीक है जो मतलब नहीं चाहते ट्रैवल करना, दो तीन दिन एक्सटेंड नहीं करना चाहते, तो ये लोकेशंस उनके लिए सही है। सो वी हैव 1 मोर गेस्ट टुडे। ये आज कैमरा पे आना नहीं चाहती, आज क्या अभी तक आई भी नहीं है वैसे, तो क्यों नहीं आ रही हो वैसे आप कैमरा पे? कुछ नहीं बोलना चाहती। ये ठक ठक की सारी आवाज़ जो आ रही है ये ऊपर से आ रही है, तो ये ठक ठक पूरी वीडियो में चलेगी। अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि बहुत सारा टाइम पड़ा है अभी हमारे पास और ज़्यादा शूट करना नहीं है, क्योंकि जो हमारा सॉन्ग की ड्यूरेशन है वो बहुत लिमिटेड है, सिर्फ 3 मिनट का सॉन्ग है, तो ज़्यादा शूट करके करेंगे क्या। तो अभी खाली बैठे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं शूट करने के लिए गियर्स क्या यूज़ कर रहा हूँ, और मेरा ट्राइपॉड भी मैं आपको दिखाता हूँ। हुक्का ट्राइपॉड। इसके लिए रीने इसको रस्सी को काट दिया था। रीने क्या किया? रस्सी को काट दिया, उस पर मोटा बंदा बैठ गया, टूट गई। अच्छा, वो जो झूला था? झूला था। ये है वो कैमरा गियर्स जो मैं आज यूज़ कर रहा हूँ। ये है कैमरा A7 III, सोनी A7 III, और इस पे जो लेंस है वो है ज़ाइस 35mm 1.4, और जो गिम्बल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है ZineCrane 2, क्योंकि इसमें बहुत अपडेट आ चुके हैं तो मेरे को यही पसंद है और ज़्यादा अपडेट्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। और पिक्चर्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं अगेन A7 III विद 85mm G Master 1.4,
और ये गोडॉक्स की लाइट AD200 यूज़ कर रहे हैं, उसका ट्रांसमीटर है। इस लड़की ने मुझसे अपना शूट करा लिया बट ये व्लॉग में नहीं आना चाह रही। लाइट का ट्रांसमीटर मैंने दिखाया था गोडॉक्स की, वो ये है, इस लाइट को कंट्रोल करने के लिए वो ट्रांसमीटर है। ये गोडॉक्स AD200 हाई स्पीड सिंक। ये बंदूक भी पड़ी हुई है पुराने ज़माने की, इसकी ना नली टेढ़ी हुई है तो ये गोली चलाने के लिए चुबाने के काम आती है। ये अभी ये हमारी सेकेंड लास्ट ड्रेस चल रही है, इसके बाद एक और करेंगे ड्रेस और पैकअप करेंगे। अभी लॉरेंस मेरे पीछे शूट कर रहा है। तो अभी हम लास्ट लोकेशन पे अपना शूट स्टार्ट करने ही वाले थे, जो यहाँ पे सबसे प्राइम लोकेशन है। वो हमने सोचा था कि थोड़ा शाम को थोड़ी शैडो हो जाएगी उस एरिया में, वैसे पूरा दिन वहाँ पे धूप रहती है तो थोड़ी शैडो हो जाएगी तब शूट करेंगे। बट वो लोकेशन शाम को किसी और ने भी बुक करी थी 2 घंटे के लिए। तो इन लोकेशंस पे यही होता है कि दो अलग अलग शूट जब हो रहे होते हैं तो क्लैश हो जाता है, क्योंकि वो शाम को ही वहाँ पे शैडो आती है और सबको शूट उसी टाइम पे ही वहीं करना होता है। दोनों ये डिसाइड कर रहे हैं कि पहले वो शूट करेंगे या पहले हम शूट करेंगे, क्योंकि उनका है फैशन शूट और 6-7 मॉडल्स हैं तो उनको तो ऑब्वियसली टाइम लगने वाला है। हम फिर भी जल्दी जल्दी कर लेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि सारे शॉट्स प्लान है, फटाफट करना होता है। तो वैसे क्योंकि उन्होंने एक ही लोकेशन बुक करी थी तो मेरे हिसाब से वो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा और मेकअप वगैरह डन करके आए हैं। जब तक वो डिसाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन पहले शूट करेगा और कौन बाद में शूट करेगा, तब तक हम यहाँ पे लोकेशन के शॉट ले लेते हैं जो यहाँ पे सबसे प्राइम लोकेशन है। और उस एक लोकेशन पे इन्होंने बहुत खर्चा किया हुआ है, वहाँ पे जितने भी पिलर्स लगे हुए हैं बहुत ओल्ड पिलर हैं, मतलब 200-300 साल पुराने, मतलब जितने भी वहाँ पे स्टैचूज लगे हुए हैं और जो भी वॉल आर्ट लगी हुई है वो सब बहुत पुराना है वहाँ पे, मतलब 200-300 साल पुराना है। उन्होंने बहुत मुश्किल से ये सब ढूंढ के चीज़ें इकट्ठी करनी, क्योंकि उनको कोई भी फेक चीज़ यहाँ पे यूज़ नहीं करनी थी। जनरली लोगों को परमिशंस मिलती नहीं है जो मेन फोर्ट्स होते हैं, जो अपने असली फोर्ट्स हैं, तो यहाँ पे उन्होंने सेम फील वैसी क्रिएट करी है। तो बहुत दूर दूर से आते हैं फोटोग्राफर्स यहाँ पे शूट करने के लिए। और ये जो यहाँ की प्राइम लोकेशन है उसके शॉट्स मैं आपको दिखाता हूँ एक्शन में। ये मेरा ट्राइपॉड है आज का, इस हुक्के ने मेरा बड़ा साथ दिया है। ये वाले जो ये लाइटो वाइटो वाले सिनेमैटिक्स है ना, ये मैं नहीं ले रहा हूँ, ये मेरे साथ जो आई हुई हैं जसविंदर कौर वो ले रही हैं। तो ये वाले सिनेमैटिक शॉट भी इन्जॉय कर लेना, मतलब झेल लेना। डन फॉर द डे और शूट हो चुका है ख़त्म, पैकअप हो चुका है और हम भी हो चुके हैं बहुत ज़्यादा टायर। और हमने सोचा था कि ये शूट ख़त्म कर देंगे 6:30 तक, बट अभी 8 बजने में सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा टायरिंग हो गया आज ये वाला शूट। और तो इस वीडियो को भी करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।